हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक वन शॉट डूइंग वन नाइट स्टैंड विथ हिज बेस्ट फ्रेंड बट ही इज ऑलरेडी एंगेज्ड। तो चलिए इस वन शॉट को शुरू करती हूँ। जंगकुक और त्यांग बेस्ट फ्रेंड है और त्यांग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकते हैं ना ही जंगकुक के साथ, और वो बात तो वो नहीं बोल सकते हैं। वो जंगकुक के लिए जो फील करते हैं वो जंगकुक को हमेशा से ही पसंद करते हैं। वो हमेशा जंगकुक को अपना प्यार मानते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं, अपने पूरी लाइफ जंगकुक के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को बोलने के लिए त्यांग के अंदर हिम्मत ही नहीं है और ना ही वो इस बात को किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं जो जाकर त्यांग की तरफ से जंगकुक को कहेगा। एक्चुअली त्यांग को ही जंगकुक को बोल देना चाहिए, क्योंकि त्यांग और जंगकुक बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों के अलावा एक दूसरे से कोई और बात क्यों करेगा। जब एक दूसरे को पसंद करते हो और इतना अच्छा दोस्त हो तो तीसरे की क्या ज़रूरत है। लेकिन तीसरा आ ही जाते हैं और वो कोई और नहीं, हमेशा जिमिन इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि जिमिन जंगकुक को पसंद करते हैं और त्यांग को बोलते हैं, त्यांग मैं जंगकुक को बहुत पसंद करता हूँ, तुम जानते हो जंगकुक इतना हॉट है, उसको देख के ही मेरे दिल में कुछ होने लगते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे जंगकुक को बोल देना चाहिए कि मैं उसको पसंद करता हूँ। त्यांग इस बात को सुनकर बहुत ही सैड हो जाते हैं, क्योंकि त्यांग जंगकुक को पसंद करते हैं और वो जंगकुक को नहीं बोल पा रहा था। लेकिन अब जिमिन भी जंगकुक को पसंद करते हैं और अब जिमिन जंगकुक से दूर नहीं रहना चाहते हैं। वो जंगकुक को बोल देना चाहते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं, वो एक सेकंड के लिए भी देर नहीं करना चाहते हैं। और अब तो त्यांग जिमिन को भी ये बात नहीं बोल पा रहा था कि मैं जंगकुक से पसंद करता हूँ, क्यों तुम उससे दूर रहो। तो जिमिन बोलते हैं, त्यांग क्या हुआ, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो ना। तो त्यांग बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो फिर जिमिन त्यांग को बोलते हैं, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, त्यांग प्लीज़ मुझे मना मत करना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। त्यांग बोलते हैं, क्या हेल्प करना है मुझे। जिमिन बोलते हैं, क्या तुम जंगकुक को मेरे साथ मिलने के लिए उसको बोल सकते हो, मुझे उससे मिलना है। तुम तो जंगकुक की बहुत ही अच्छे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और तुम अगर जंगकुक को बोलोगे तो वो मुझसे मिलने के लिए मना नहीं कर पाएगा। वरना जंगकुक तो इतना बिजी रहते हैं, वो अपनी सिंगिंग शो को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और वो किसी और के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता है सिवाय तुम्हारे। अब मैं तुम्हें ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर तुम कहोगे तो वो मना नहीं करेगा। त्यांग को तो अभी ही जिमिन को गुस्सा करके बोल देना चाहिए था कि तुम जंगकुक से दूर रहो, मैं उसको पसंद करता हूँ। लेकिन नहीं, त्यांग तो जिमिन को बोलते हैं, ठीक है मैं जंगकुक को बोल दूँगा तुमसे मिलने के लिए, और कब मिलना है तुम्हें। तो जिमिन बोलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जंगकुक जब मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएगा मैं मिलने के लिए आ जाऊँगा। ए लो मेरा कार्ड और मुझे एक कॉल कर देना और मुझे बोल देना कि जंगकुक मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए या नहीं। मैं तो जंगकुक के लिए अवेलेबल हूँ, वो जब भी मुझसे मिलना चाहेगा मैं मिलने के लिए आ जाऊँगा। त्यांग प्लीज़ तुम इस बात को भूल मत जाना। त्यांग जिमिन से प्रॉमिस करते हैं कि वो जंगकुक को बोलेगा जिमिन के साथ डेट पे जाने के लिए। तो जिमिन खुश हो जाते हैं और त्यांग को गले लगा लेते हैं। जंगकुक त्यांग से मिलने के लिए यहाँ पर आ ही रहा था, जैसे ही वो देखते हैं जिमिन और त्यांग एक दूसरे को गले लगाकर खड़ा हुआ था, तो जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही जेलस फील कर रहा था, उसकी आंखें लाल हो जाते हैं और वो त्यांग को दूर से बोलते हैं, त्यांग मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, जल्दी से इधर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जिमिन त्यांग को बोलता है, त्यांग वो आ गया है, क्या तुम जाकर उसको कहोगे, मैं इंतज़ार करता हूँ तुम्हारी कॉल का, ठीक है अभी जाकर उसको बोल देना, देर मत करना। त्यांग जिमिन को बोलते, हाँ ठीक है लेकिन तुम भी आकर बोल सकते हो, वो आकर यहाँ पर आ ही गए हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें खुद जाकर उससे बात कर लेना चाहिए, तो मेरी क्या ज़रूरत है। जिमिन बोलते, नहीं अब बोलना सही नहीं होगा, वो तुम्हें बुला रहे हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए और मौका देखते ही बोल देना, ठीक है और मैं इंतज़ार करता हूँ, मुझे उसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेना है। और ये बोलते ही यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही त्यांग चलकर जंगकुक के पास आ रहा था, जंगकुक बहुत ही खुश हो रहे थे त्यांग को देखकर, उसकी होठों पर मुस्कुराहट आ जाते हैं और वो जैसे ही त्यांग उसके पास आते हैं उसको गले लगा लेते हैं और उसको टाइटली हक करके बोलते हैं, आई मिस यू यार, मैं कब से तुम्हें मिस कर रहा हूँ तुम जानते हो, और मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर चला आया हूँ, शूटिंग ख़त्म होने के बाद ही मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, और तुम हो कि उस जिमिन के साथ
इतना क्यों चिपक रहे थे? हाँ, तो त्यांग बोलते हैं, वो मैं जिमिन के साथ कुछ बात कर रहा था, वो मुझसे कुछ कहा है तुमसे बोलने के लिए। तो त्यांग की बात सुनकर जंगकुक बोलते हैं, वो तुमसे कुछ बोलने के लिए मुझसे कहा है? अगर उसको कुछ बोलना है तो वो खुद नहीं कह सकते हैं क्या? वो अभी अभी यहाँ पर ही था, अगर उसको कुछ कहना ही था तो वो खुद क्यों नहीं आए? त्यांग बोलते हैं, उसने कहा मुझे बोलने के लिए। तो क्या तुम जिमिन के साथ मिल सकते हो? वो पहले ही जिमिन के बात बोलने के लिए पागल होते जा रहा था। अगर कोई और होता शायद नहीं बोलता, लेकिन त्यांग, वो है ही इतना इनोसेंट, वो जिमिन के बात बोल देते हैं कि तुम उसके साथ डेट पर जा सकते हो, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, शायद कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जंगकुक बोलते हैं, कुछ भी हो मेरे पास टाइम नहीं है, तुमने कहा नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम मुझसे मिलने के लिए तो आ गए हो ना, तो जिमिन से जाकर भी मिल लो, उसको अच्छा लगेगा, वरना उसको ऐसा लगेगा मैंने तुमसे नहीं कहा है और उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है ताकि मैं तुम्हें बोलूँ, और तुम जाकर उसे मिलो, प्लीज़ तुम जाकर उसे मिल लो। जंगकुक गुस्सा होकर बोलते हैं, त्यांग तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है क्या? मैं अपना शूटिंग छोड़कर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो जिमिन के साथ डेट करने के लिए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, वरना तुम खुद को जिमिन के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ, लेकिन जिमिन से मिलने के लिए मैं क्यों जाऊँगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने इतना टाइम निकाला है तुम्हारे लिए, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। और ये बोलते हैं जंगकुक गुस्से से यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग यहाँ पर बैठकर अपने सर पकड़ लेते हैं और सोचते रहते हैं, आखिर मैं क्या करूँ? जिमिन जंगकुक को पसंद करते हैं, और जंगकुक जो मेरे साथ हमेशा से ऐसी बात करते हैं, उसका कुछ समझ में नहीं आता है कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, और न ही उसने मुझे कभी कहा है कि वो मुझसे पसंद करते हैं, और न ही मैंने उसको कह पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आखिर हम तीनों के बीच में क्या चल रहा है? अब क्या होगा और क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे घर से मेरी शादी तय कर दिया है, और मेरे फ्यून से कुछ ही दिन बाद मुझसे शादी करने के लिए आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? मेरे फ्यून से अगर मुझसे मिलने के लिए आ गया तो तब तो मुझे उसके साथ ही शादी करना होगा, और मैं तब जंगकुक को कैसे बताऊँगा? तब बताने से भी कुछ नहीं होने वाला है, जो भी कहना है मुझे अभी कहना होगा। लेकिन वो तो गुस्सा करके चला गया, और मैंने जिमिन से भी प्रॉमिस किया है कि मैं जंगकुक को उसके पास भेजूंगा। मैं तो बुरी तरह से फंस गया, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो किसी को भी नहीं कह पाया कि मैं क्या चाहता हूँ। सब ने अपने दिल की बात बोल दिया, लेकिन मैं ही नहीं बोल पाया, और जंगकुक उसका कुछ समझ में नहीं आता है। और जंगकुक वो जाते जाते यही सोच रहा था, त्यांग खुद के बारे में कब सोचेगा? वो दूसरे के बारे में हमेशा सोचते हैं और अपने बारे में हमेशा सोचना भूल जाते हैं, और ना ही दिल की बात बोल सकते हैं। इतना इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी खुद के बारे में भी सोच लेना चाहिए। त्यांग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब तो मैं त्यांग के मुँह से सुनना चाहता हूँ, लेकिन त्यांग वो बोलता ही नहीं है, वो हमेशा दूसरों की बात ही बोलते रहते हैं। और यहाँ पे त्यांग जंगकुक को कॉल करते हैं कि वो बहुत ही नाराज़ हो गया है, मुझे उसकी नाराज़गी ख़त्म करना होगा। और जैसे ही जंगकुक को कॉल करते हैं, जंगकुक त्यांग की कॉल देखकर खुश हो जाते हैं और तुरंत रिसीव कर लेते हैं और बोलते हैं, त्यांग क्या हुआ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? वो गुस्सा होने की एक्टिंग करते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो? जंगकुक बोलते हैं, हाँ बहुत नाराज़ हो, क्योंकि तुम हमेशा दूसरे की बातें करते रहते हो। मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम जिमिन की बातें करने लगे, क्या ज़रूरत थे? अब देखो मैं तुमसे नाराज़ होकर वापस चला आया, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? त्यांग जंगकुक को सॉरी बोलते हैं कि तुम मेरे लिए टाइम निकल कर आए थे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। जंगकुक तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, ऐसी क्यूट सी शक्ल बनाकर अगर कहोगे तुम मुझसे तो मुझे तुम्हें माफ़ तो करना ही होगा, और मैं तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता हूँ, तुम जानते हो इस बात को। अब बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हारे होठों पर स्माइल आ जाए? त्यांग बोलते हैं, तुम मुझे खुश करना चाहते हो, मैं तुम्हें खुश करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने गलती किया है, तुमने नहीं। जंगकुक बोलते हैं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, अब तुम कहो तुम कहाँ पर हो, क्या अभी भी वहीं पर बैठकर रो रहे हो क्या? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, नहीं मैं रोऊंगा क्यों, मैं नहीं रो रहा हूँ। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि तुम बैठकर रो रहे हो,
अब तुम कहाँ हो मुझे जल्दी बोलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। त्यांग बोलते हैं, जोंगकुक मैं अब तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? मैंने जिमिन से प्रॉमिस किया है, क्या तुम उसके साथ जाकर मिल सकते हो? उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, आई प्रॉमिस। तो जोंगकुक बोलते हैं, अब मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब तुमने उसको प्रॉमिस कर दिया है तो उसको निभाना तो पड़ेगा। ठीक है, तुम जिमिन को मेरी शूटिंग के पास जो रेस्टोरेंट है उसका एड्रेस सेंड कर दो, और हाँ उसको बोल देना जल्दी आने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। मैं उसके लिए सिर्फ 5 मिनट ही निकाल सकता हूँ और ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तुम नहीं हो। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने उसे मिलने के लिए हाँ बोल दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, और अब मैं जिमिन को बोल देता हूँ। जंगो बोलते हैं, आप मेरी बात तो सुनो, लेकिन त्यांग तो कॉल कट कर चुके थे, और वो जिमिन को बोल देते हैं जोंगकुक से मिलने के लिए, और यहाँ पर जोंगकुक यही बोल रहा था। त्यांग हमेशा पूरी बात नहीं सुनता है, वो उसको यही बोलने वाले थे कि जिमिन को कॉल मत करना, उसको मैसेज कर देना, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि त्यांग जिमिन के साथ बात करे। लेकिन त्यांग ने तो इससे पहले ही फ़ोन कट कर दिया था और जिमिन को कॉल करके बोल भी दिया था। अब जिमिन बहुत ज़्यादा खुश है और त्यांग को थैंक्स बोलते हैं और जोंगकुक से मिलने के लिए उसकी शूटिंग स्पॉट आ जाते हैं उसके पास ही जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो जोंगकुक उससे मिलने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं और जिमिन जैसे ही चले आते हैं वो जिमिन को बोलते हैं, जिमिन कैसे हो? जिमिन बोलते, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो जोंगकुक बोलते, मैं ठीक हूँ, बैठ जाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो कुछ भी बोलना है 5 मिनट के अंदर बोल देना। जिमिन बोलते हैं, क्या 5 मिनट? जोंगकुक बोलते हैं, हाँ 5 मिनट, अगर इसके अंदर तुम्हारी बात पूरी हो सकती है तो बोलना शुरू करो, वरना मैं टाइम गिनना शुरू करता हूँ। तो जिमिन जोंगकुक को बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। जोंगकुक मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आई लव यू, और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? तो जोंगकुक बोलते हैं, क्या? जिमिन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए हो? तो जोंगकुक बोलते हैं, देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। तो जिमिन बोलते हैं, लेकिन क्यों? तो जोंगकुक जिमिन को कुछ बोलते हैं, जिसे जिमिन बोलते हैं, मुझे लगा ही था, लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उसने कभी कहा ही नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा? अब मेरी गलती नहीं है इसमें, लेकिन हाँ अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। और उसके बाद जिमिन बोलते हैं, ठीक है तुम जाकर अपने काम कर लो और मैं यहाँ से चले जाता हूँ। जिमिन को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो जोंगकुक को बहुत पसंद करते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। और जोंगकुक बोलते हैं, पागल कहेगा, जो खुद ये जानते हुए भी मेरे पास उसको भेज दिया, बिल्कुल डफर है वो। और वो शूटिंग करने के लिए वापस चले जाते हैं, वो डांस प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पर वो त्यांग के बारे में ही सोच रहा था कि त्यांग तुम कब बोलने वाले हो मुझसे, मैं इंतज़ार कर करके थक गया, अगर तुमने मुझे नहीं कहा तो शायद मैं ही तुम्हें बोल दूंगा, क्योंकि अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद जोंगकुक त्यांग के साथ एक डेट प्लान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं त्यांग तो नहीं बोलने वाले हैं और वो ऐसे ही बेवकूफ़ी करते रहेगा और टाइम वेस्ट होते जाएगा। जोंगकुक बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, वो त्यांग के साथ अपनी हर एक सेकेंड को बहुत ही स्पेशली स्पेंड करना चाहते हैं। तो फिर वो त्यांग को बोलते हैं, त्यांग क्या तुम मुझसे मिलने के लिए 5-स्टार होटल आ सकते हो? त्यांग बोलते हैं, क्या, लेकिन उस होटल में क्यों, वहाँ पर तो कपल जाते हैं ना? जोंगकुक बोलते हैं, अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में आता तो शायद मुझे तुम्हें और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन कहाँ तुम्हें समझ में आने वाला है, तो तुम मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मत करो और जल्दी से आ जाओ, और हाँ तुम पूरे दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, तुम इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना और घर जाने की जिद मत करना, ठीक है? त्यांग बोलते, हाँ ठीक है मैं आ जाता हूँ, क्या तुमने जिमिन से बात कर लिया है? तो त्यांग की बात सुनकर जोंगकुक को गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें आकर मुझसे मिलना होगा, समझे तुम? और कॉल कट कर देते हैं। त्यांग को लगता है जोंगकुक बहुत गुस्सा है, अब तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो वो सुबह को तैयार हो जाते हैं और पूरे दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। तो जैसे ही त्यांग जोंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं, जोंगकुक बहुत ही हैंडसम लग रहा था, वो ब्लैक सूट पहना हुआ था और वो हमेशा की तरह हॉट लग रहे थे। जोंगकुक को देखते ही त्यांग की हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं, वो अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं और कहते, नहीं ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ शायद जोंगकुक और जिमिन के बीच में अब वो रिश्ता बन चुका होगा जो मैं नहीं बोल पाया, अब तो मुझे उन दोनों से दूर रहना चाहिए
अब मुझे जोंगकुक को कहना होगा कि अब हम दोनों को साथ में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए और उसको जिमिन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे पहले कि त्यांग कुछ बोलता, जोंगकुक त्यांग को देखकर उसकी हैंड पकड़ के उसको अपने करीब खींचकर लेकर आते हैं और उसको हक कर लेते हैं। बहुत ही टाइटली हक करके रखा था। और उसके बाद जोंगकुक बोलते हैं, नहीं, तुम्हारी पिंक कलर का इस कोट पे तुम इतना हैंडसम और पीटी लग रहे हो कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें फील नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी कोट के अंदर हाथ डालते हुए तुम्हें हक करना होगा ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को फील कर सकूँ। और ये बोलते हुए अपने दोनों हाथों को त्यांग की कोट के अंदर ही डाल देते हैं और उसकी बॉडी को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अब ठीक है, अब मैं तुम्हें फील कर पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे फील कर पा रहे हो त्यांग? त्यांग जोंगकुक की बात सुनकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और वो शॉक में चले जाते हैं कि जोंगकुक क्या बोल रहे हैं, अचानक उसको क्या हो गया है, वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको तो जिमिन के साथ। इससे पहले कि त्यांग दोबारा से बकवास करना शुरू करता और जिमिन की बातें बोलना शुरू करते, जोंगकुक बोलते हैं, त्यांग तुम दोबारा से किसी और के नाम नहीं लेने वाले हो, मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ मैंने जिमिन को मना कर दिया है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, समझे तुम, मैं जिमिन से भी नहीं प्यार करता हूँ। तो जोंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, तुम किससे प्यार करते हो? वो आज उसको पूछ ही लेते हैं, खुद तो नहीं बता पाया लेकिन जोंगकुक को पूछ लेते हैं। जोंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ के उसको एक कमरे के अंदर लेकर चलते हैं। जैसे ही त्यांग वहाँ पर जाते हैं वो और भी सरप्राइज हो जाते हैं। इस रूम में सिर्फ कैंडल जला हुआ था और रोज़ के पत्ते थे। बेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ था जैसे कि नई दुल्हन हो और आज उन दोनों की फर्स्ट नाइट हो, ऐसा ही कुछ लग रहा था। जोंगकुक की इस हरकतों को देखकर त्यांग बोलते हैं, क्या मतलब है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जोंगकुक घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपनी हैंड पर एक अंगूठी के बॉक्स पकड़ के बोलते हैं, त्यांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जिमिन से प्यार नहीं करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा कि तुम मुझे दिल की बात बताओगे क्योंकि मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाह रहा था, क्योंकि तुम अपने दिल की बात नहीं बोल सकते हो, मुझे लगा शायद तुम मुझे बोल दोगे, शायद तुम मुझे खोना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो, इसलिए मुझे लगा मुझे ही तुम्हें बोल देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ त्यांग और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करना। त्यांग की हार्ट बीट अब बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, वो तो यही बोलना चाहते हैं, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन त्यांग की दिल की बात त्यांग के मुँह पर नहीं आते हैं। जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, क्या मैं गलत सोच रहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे तो यही लग रहा था और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, प्लीज़ अभी तो बोल दो वरना बहुत देर हो जाएगा। त्यांग बिना कुछ सोचे ही जोंगकुक को हाँ बोल देते हैं। जोंगकुक बोलते हैं, नहीं मुझे यस नहीं सुनना है, मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है हर एक लफ्ज़ को जो मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ त्यांग टेल मी। और उसके बाद त्यांग बोलते हैं, आई लव यू जोंगकुक। जोंगकुक त्यांग को गले लगा लेते हैं और उसकी होठों पर किस कर लेते हैं। त्यांग भी जोंगकुक को नहीं रोकते हैं और ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। जोंगकुक जैसे ही त्यांग से अलग होते हैं वो दोबारा से त्यांग की हैंड पकड़ के बोलते हैं, क्या तुम इस रिंग को पहनना चाहोगे मेरी हाथों से, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो और मुझसे शादी करने के लिए मना मत करना। लेकिन त्यांग जोंगकुक को कुछ नहीं बोल पाते हैं कि वो पहले से एंगेज है। वो जोंगकुक को हाँ बोल देते हैं और जोंगकुक उसकी फिंगर पर अपनी अंगूठी पहना देते हैं और उसकी फिंगर पर किस करते हुए दोबारा से खड़े हो जाते हैं और त्यांग की होठ पर अगेन किस करना शुरू करते हैं और उसको किस करते करते बेड तक लेकर जाते हैं। बेड के पास जाते ही त्यांग की कोट को उतारने लगते हैं। त्यांग जोंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं लेकिन जोंगकुक त्यांग की हैंड को छुड़ाते हुए बोलते हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, इतनी दिनों से तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब नहीं तड़प सकते हो मुझे, अब तो मुझे तुम्हारे करीब जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये बोलते हैं जोंगकुक त्यांग की कोट और उसके बाद उसकी टी शर्ट खोल देते हैं और उसकी बॉडी शो होने लगता है। जोंगकुक त्यांग की बॉडी को देखकर बोलते हैं, मेरी हॉट बॉडी में तुम्हारी बटर जैसी बॉडी को मैं पिघलना चाहता हूँ त्यांग, प्लीज़ मना मत करना। और उसके बाद त्यांग को अपने करीब खींच कर लेकर आते हैं और उसकी बॉडी में किस करना शुरू करते हैं। उसकी नेक पर एक बहुत ही गहरा बाइट बनाते हैं। लव बाइट बनाने के बाद उसकी पूरी बॉडी पर बाइट करना शुरू करते हैं। त्यांग भी जोंगकुक को नहीं रोकते हैं
और जोंगकुक धीरे धीरे से नीचे चले जाते हैं और उसके बाद जोंगकुक अपनी टीथ से त्यांग की जीप खोलने लगते हैं। और जैसे ही त्यांग की पैंट की जीप खोल देते हैं, वो अपने हाथों से त्यांग की पैंट की बेल खोलने लगते हैं और उसको नीचे उतार देते हैं। उसके बाद त्यांग को पूरी तरह से निकेट कर देते हैं और उसको पेट पर पुश कर देते हैं। त्यांग के ऊपर चले जाते हैं। त्यांग जोंगकुक को अब धकेल देते हैं। जोंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों पुश कर रहे हो, क्या तुम मुझे मना करने वाले हो? नहीं, अब तो मैं नहीं रुकना चाहता हूँ, प्लीज त्यांग। त्यांग बोलते हैं, तुमने अपने कपड़े को नहीं उतारा है तो मैं तुम्हारी बॉडी को कैसे देख पाऊँगा? पहली बार त्यांग ने ऐसा कुछ कहा, वरना तो अपनी शाइनेस की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। जोंगकुक स्मार करते हुए बोलते हैं, इसका मतलब तुम्हें मेरी बॉडी देखना है, हाँ? और वो बोलते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं उतार देते हो मेरे कपड़ों को? और एक नोटिस स्मेल देते हैं। त्यांग शाय फील करते हुए उठ जाते हैं और जोंगकुक के कपड़ों को खोलने लगते हैं और उसकी ऐस पर अपने हाथों को फिराने लगते हैं। त्यांग जोंगकुक की तरफ देख रहा था। जोंगकुक त्यांग को इस तरह से देखते हुए वो उसकी नज़र को अपनी ओर खींच लेकर आते हैं और बोलते हैं, क्या ऐसे ही देखते रहोगे और कुछ नहीं करने वाले हो क्या? वो त्यांग की सर पकड़कर वो उसकी नीचे की तरफ लेकर जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम क्या कर सकते हो, मुझे भी देखना है। जोंगकुक इस तरह से उसको नोटी इशारा करते हैं और त्यांग वो समझ जाते हैं। त्यांग शाय फील करते हुए जोंगकुक की प्राइवेट पार्ट तक अपने मुँह को लेकर जाते हैं और उसकी प्राइवेट पार्ट को अपने मुँह में लेते हुए सक करना शुरू करते हैं, जिससे जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। अब वो त्यांग की बालों को कस के पकड़ लेते हैं और उसकी माउथ ऊपर लेकर आते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा कि तुमने मुझसे अपने आप से दूर रखा है, और एक चीज़ के लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ, लेकिन किस के लिए मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, समझे? त्यांग उसको कुछ पूछने ही वाले थे। तुम क्या बोलने की कोशिश करो, इससे पहले जोंगकुक उसकी माउथ में अपनी टांग को इन करते हुए सक करना शुरू करते हैं और उसको बेड तक बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और त्यांग में खुद को इन कर देते हैं। बहुत ही फास्टली वो करना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड के लिए वो त्यांग से अलग होते हैं और त्यांग को बोलते हैं, क्या तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए? त्यांग शाय फील करते हुए जोंगकुक को मना कर देते हैं कि उसको ब्रेक नहीं चाहिए, वो जैसे चाहे कर सकते हैं, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार है। वो जोंगकुक के साथ इंटीमेट होने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कब से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। अब जोंगकुक भी समझ जाते हैं और वो अपना पूरा 100% किया 1000% त्यांग के साथ देने लगते हैं और पूरी रात ऐसे ही बीत जाता है। तो आज का दिन तो त्यांग और जोंगकुक के बीच में बहुत ही रोमांटिक गुजरा। आज की रात त्यांग हमेशा याद रखेगा और जोंगकुक भी। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाते हैं, त्यांग अपना सर पकड़ लेते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं। जोंगकुक त्यांग को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, हाँ? त्यांग बोलते हैं, मुझसे गलती हो गया है। जोंगकुक बोलते हैं, क्या तुमसे गलती हो गया है? त्यांग, तुमसे क्या गलती हो गया है, मुझे बताओ। त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं, तुम नाराज तो नहीं होंगे ना? मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जोंगकुक बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम डर क्यों रहे हो? त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं पहले से एंगेज हूँ और मेरे फियोंसे के साथ मेरी शादी होने वाले है बहुत ही जल्द, और मैंने तुमसे ये बात छुपाया है। जोंगकुक त्यांग की फेस पकड़ के बोलते हैं, तो तुमने उससे भी ये बात छुपाया होगा, है ना? त्यांग बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने कभी उससे बात ही नहीं किया और ना ही उससे मिला है। हम दोनों मिलने वाले हैं लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। वो मॉम डैड ने शादी पहले ही तय कर दिया है, मुझसे पूछा भी नहीं। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे लगता है मुझे उसको ये बात बोल देना चाहिए क्योंकि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तो इसको लेकर इतना पेशेंट क्यों होना, हाँ? अभी उसको कॉल करो और उसको बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उससे नहीं। त्यांग बोलते हैं, क्या अभी? जोंगकुक बोलते हैं, हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी उसको कॉल करके मना कर दो। तो फिर त्यांग अपनी फ़ोन हाथ में लेते हैं और उसको कॉल करते हैं। तो फिर जोंगकुक अपनी फ़ोन रिसीव करते हुए बोलते हैं, तुम जो बोलने वाले हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम क्या शादी तोड़ने वाले हो? मैं खुद शादी तोड़ता हूँ। जो इंसान अपनी फियोंसे को धोखा दे सकता है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ
रात गुजार सकते हैं, मैं उससे शादी क्यों करूँगा? अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ त्यांग। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, और फ़ोन कट कर देते हैं। त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जंगकुक उसके पास बैठ कर ये सब कुछ बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब? जंगकुक उसकी फ्यूम से है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुमने अभी क्या किया और तुम्हारे नंबर पे मैंने कॉल कैसे किया? ये नंबर तो मेरे फियोंसे का है, और तुम मेरे फियोंसे कैसे हो सकते हो जंगकुक? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम इतना इनोसेंट क्यों हो? त्यांग, मैं ही तुम्हारा फियोंसे हूँ, और हाँ, ये नंबर भी मेरा ही है जो पर्सनल है, और मैंने सिर्फ तुम्हें ही दिया था। चले तुम्हें नहीं, तुम्हारे डैड और मॉम को, ताकि वो तुम्हें दे सके। लेकिन तुमने मुझे कभी कॉल ही नहीं किया, और मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं कह पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे मॉम डैड को हमारे बारे में पहले ही बोल दिया था, और उन दोनों ने हमारी शादी तय कर लिया, और हम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। लेकिन तुमने मुझसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं समझा, और अपनी फियोंसे को धोखा देकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नाइट गुजार दिया। अब तो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग शॉक हो जाता है और बोलते हैं, क्या? अब तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम भी मेरी फियोंसे हो, और तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे फियोंसे ने तुम्हें मना कर दिया शादी के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया है। अब जो तुम्हारे सामने तुम्हें शादी के लिए पूछ रहे हैं, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। क्या तुम अभी भी उसको मना करने वाले हो? अपनी फियोंसे को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग जंगकुक को कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम बहुत ही नॉटी हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और मुझे अच्छा लगा कि मेरे फियोंसे भी तुम हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी तुम हो, और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम अपने फियोंसे से प्यार करते हो? त्यांग बोलते, नहीं, पहले नहीं करता था, लेकिन अभी से करता हूँ। जंगकुक त्यांग की फेस पकड़ के बोलते हैं, इतनी क्यूट सी शक्ल बनाकर अगर इतनी प्यार से बातें करोगे तो मैं तुमसे कैसे दूर रह पाऊँगा? और उसकी फेस को पकड़ के उसकी होठों पर किस कर लेते हैं, और चादर के नीचे दोनों ही एक साथ बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, और जंगकुक तो अचानक ही त्यांग में खुद को इन कर देते हैं। क्योंकि जंगकुक ने अचानक ही ऐसा कर दिया तो त्यांग शॉक हो जाते हैं, और वह अपनी आइज को बिग कर लेते हैं, जिसको देखकर जंगकुक उसको और भी डीपली किस करना शुरू करते हैं, और उसके साथ वो सब कुछ भी कर रहा था। अब तो इन दोनों के बीच में सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और अब त्यांग ने अपने दिल की बात भी बोल दिया है, और उसकी फियोंसे और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कुछ ही दिन बाद जंगकुक और त्यांग शादी कर लेते हैं, और ये दोनों साथ में बहुत खुश है। जंगकुक त्यांग को बहुत खुश रखता है और उसको बहुत ही पैम्पर करते हैं, और त्यांग भी जंगकुक से इतना प्यार करते हैं कि वो जंगकुक से एक सेकेंड के लिए भी दूर नहीं रह सकते हैं। जैसे ही वो उससे दूर हो जाते हैं किसी काम की वजह से, और जब जंगकुक त्यांग के सामने आ जाते हैं, त्यांग उसके गले इस तरह से जाकर लग जाते हैं ताकि इन दोनों को कोई अलग ना कर सके। उन दोनों के बीच से एक मच्छर भी नहीं जा सकते, तो इंसान तो दूर की बात, जिमिन तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। और जब जिमिन को पता चलता है कि जंगकुक और त्यांग एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, जिमिन बहुत खुश हो जाता है कि चलो, दो प्यार करने वाले एक हो ही गए हैं। और जिमिन को युंगी ने अपने दिल की इजहार कर दिया था, इसलिए जिमिन ने युंगी से शादी कर लिया, और वो दोनों भी बहुत ही खुश है। तो इस कहानी को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोग को ये वन शॉट कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर दो। और अगर ऐसी ही प्यारी प्यारी सी कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ रहो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।